नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धरदत्त। इस खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। राज्य में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दूसरे चरण की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। शनिवार से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://onlinebpsc.bihar.gov.in/ पर कैंडिडेट्स लॉगिन में जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विकासशील और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद देने का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित देशों को 2050 से काफी पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म कर देना चाहिए। दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस पर एक सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंकों को न केवल विकास के लिए बल्कि जलवायु कार्रवाई के लिए भी किफायती आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। बिहार में भूजल पर निर्भरता बढ़ी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वार्षिक भूजल दोहन केवल 2 वर्षों में बढ़ा है। पीएचईडी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में अत्यधिक दोहित व अतिक्रमण के कारण भूजल रिचार्ज की संरचनाओं की यानी आर्द्र भूमि चौर तालाब पोखर की संख्या लगातार घट रही है। विभागीय रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वैसे हर इलाके जहां बाढ़ का संकट बना रहता है वहां भी जल स्रोत सूखने लगे हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए पीएचईडी अधिकारी सीतामढ़ी गया वैशाली के वैसे इलाके में पहुंचे जहां हर 1 किलोमीटर पर भूजल का स्तर घट रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने भारतीय समकक्ष पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर की है। अपने एक्स हैंडल पर यह सेल्फी शेयर करते हुए पीएम मेलोनी ने #MeloDi लगाया। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा COP28 में अच्छे दोस्त। सेल्फी में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे। पीएम मेलोनी की ओर से शेयर किए जाते ही यह सेल्फी वायरल हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी अहम खबर है। आयोग ने इस संबंध में 30 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विज्ञापन संख्या 06/2022 के तहत सहायक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पद पर नियुक्ति के लिए 31 अगस्त 2023 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर हाल ही में प्रकाशित किया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत की पारी के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। गायकवाड़ अब T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 26 साल के गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे मैच में अपनी पारी के दौरान 7 रन बनाते ही T20 क्रिकेट में 4000 रन के आंकड़े को छुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार फिर शुरू हो रहा है। राज्य का आम आवाम की समस्याओं के समाधान के लिए नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों के बीच उपलब्ध होते हैं। 4 दिसंबर को नीतीश कुमार जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैबिनेट विभाग के अपर सचिव निशीत वर्मा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को अलग से पत्र भी भेजकर जानकारी दी। अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 यानी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से भारत पहुंच चुके हैं। इससे पहले उन्होंने इसराइल के राष्ट्रपति हसाक हरजोग से शुक्रवार को मुलाकात की और इसराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अपने विचार शेयर किए। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले की वजह से इसराइल में हुए जानमाल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की और हाल ही में बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में साल 2024 के लिए जारी छुट्टियों के कैलेंडर पर हुए विवाद के बाद विश्वविद्यालयों के छुट्टियों में राजभवन ने हस्तक्षेप किया है। छुट्टियों को लेकर बिहार राज्यपाल के निर्देश पर पटना, पाटलिपुत्र और मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति की एक कमेटी बनाई गई है। राज्यपाल ने इस कमेटी से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर ही 2024 के लिए राजभवन विश्वविद्यालयों की छुट्टियां निर्धारित करेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार इन आपदाएं के चलते दुनिया भर के किसानों पर हर साल 10.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार पड़ रही है। वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 5% हिस्से के बराबर है। FAFO की नई स्टैटिस्टिकल ईयरबुक वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 के अनुसार 1991 से 2021 के दौरान किसानों को बाढ़, सूखा, तूफान, ओला और जैसी आपदाओं के चलते फसल उत्पादन और पशुधन के रूप में करीब 316.6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बताने वाले स्वदेशी हीमोग्लोबिन मीटर जल्द ही जांच के दायरे में आएंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने गुणवत्ता जांच का फैसला लिया है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। साथ ही इसके अध्ययन में भारत में एनीमिया के बढ़ते बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार ICMR बाजार में मौजूद हीमोग्लोबिन मीटर की गुणवत्ता जांच के लिए एक अध्ययन करेगा। देश के 6 संस्थानों में होने वाले इस अध्ययन में जिन कंपनियों के उत्पाद शामिल किए जाएंगे उनसे ICMR के साथ अनुबंध करने का प्रस्ताव मांगा है। सेहत और पर्यावरण के लिए 100% खड़े मोटा अनाज के वैश्विक मानकों के विकास के भारत के प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का रास्ता खुल गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के बनाए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निकाय के सदस्यों ने इसे सराहा है। मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोडेक्स एलिमिनेटरीज कमीशन ने भी इटली के रोम में 46वें सत्र के दौरान मोटा अनाज के भारत के लिए मानकों की प्रशंसा की है। भारत ने 15 प्रकार के मोटे अनाज के लिए गुणवत्ता के 8 मानक निर्धारित किए हैं।
घरेलू गतिविधियों में तेजी और त्योहारी सीजन के दौरान खरीदारी बढ़ने से सरकार को इस साल नवंबर में जीएसटी के रूप में एक साल पहले की तुलना में 15% अधिक कमाई हुई है। जीएसटी संग्रह की यह रफ्तार चालू वित्त वर्ष के किसी भी महीने में सबसे अधिक है। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 में नवंबर तक कुल जीएसटी संग्रह 13,32,440 करोड़ रुपए रहा। इस तरह अप्रैल से लेकर अब तक सरकार को हर महीने जीएसटी के रूप में औसतन 1.66 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 1 दिसंबर शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज जिनका फैंस का बेसब्री से इंतजार था। इनमें से एक रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल और दूसरी विकी कौशल और सानिया मल्होत्रा की सैम बहादुर। जब इन दोनों फिल्मों के ट्रेलर रिलीज हुए थे तब से ही फैंस इनके रिलीज होने का वेट कर रहे थे। हालांकि शुरुआत से ही ज्यादा क्रेज रणबीर की फिल्म एनिमल के लिए देखा गया क्योंकि फिल्म में रणबीर के किरदार और लुक्स ने दर्शकों को काफी ध्यान आकर्षित किया है। मेटा ने कहा कि उसने अक्टूबर में भारत में फेसबुक की 13 नीतियों में 3.36 करोड़ से अधिक सामग्री और इंस्टाग्राम की 12 नीतियों में 34 लाख से अधिक कंटेंट हटा दिए। इस साल अक्टूबर में फेसबुक के लिए भारत से 12,960 शिकायतें प्राप्त हुई थी। उसने बताया कि 5,201 मामलों में यूजरों को उनके मुद्दे को हल करने के लिए टूल्स प्रदान किए गए। मेटा ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि इनमें विशिष्ट उल्लंघनों के लिए तथा कंटेंट की रिपोर्ट करने के लिए डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, खाता हैक किए गए, मुद्दों को संबोधित करने के रास्ते आदि शामिल हैं। कतर में जासूसी के इल्जाम में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों के मामले पर नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया कि उन पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पूरा प्रयास और समर्थन किया जा रहा है। नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को इस साल 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इस फैसले को हैरान करने वाला बताया था। भारतीय नौसेना में पहली बार नौसैनिक पद पर महिला कमांडिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। नौसेना में पहली बार किसी महिला को नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट मोड की कमांडिंग अधिकारी बनाया गया है। नौसेना दिवस से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि अग्निपथ को अमली जामा पहनना वक्त की जरूरत और परिवर्तनकारी कदम है। इस साल मार्च महीने में INS चिल्का से अग्निवीरों का पहला बैच ग्रेजुएट हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्निवीरों के इस बैच में 272 महिलाएं अग्निवीर ट्रेनी हैं। फर्जी खबरें फैलाने वाले 9 YouTube चैनलों का भंडाफोड़ किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पत्र सूचना कार्यालय की तथ्यान्वेषण इकाई ने भारत में फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने वाले इन YouTube चैनलों की पहचान की है। मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार इन YouTube चैनलों में भारत एकता न्यूज, बजरंग एजुकेशन, बीजे न्यूज, सनसनी लाइव टीवी, जीवीटी न्यूज, डेली स्टडी, अब बोलेगा भारत, सरकारी योजना ऑफिशियल और आपके गुरुजी शामिल हैं। इन चैनलों के सब्सक्राइबर की संख्या 11,700 से 34.70 लाख तक है। भारतीय टीम ने रायपुर के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 मुकाबले में 20 रन से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टीम इंडिया ने सीरीज में कंगारुओं को तीसरी बार पटकनी देने के साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला है। T20 इंटरनेशनल में भारत अब सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाला देश बन गया है। चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत फटाफट क्रिकेट में यह टीम इंडिया की 136वीं जीत है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर शुक्रवार को मुंबई में मीडिया से बात करते हुए नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने इसरो की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो किसी दूसरे देश ने नहीं किया और इसके लिए भारत पूरी तरह से प्रशंसा का पात्र है। बिल नेल्सन ने कहा, भारत को मेरी शुभकामनाएं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाले आप पहले देश है। हमारे पास एक वाणिज्यिक लैंडर है जो अगले साल उतरेगा लेकिन भारत पहला है। दूसरे देशों ने कोशिश की लेकिन वे सभी असफल रहे। आप पूरी तरह से प्रशंसा के पात्र हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 डेस्कटॉप यूजर के लिए एक एनर्जी सेवर मोड जारी किया है। इस टूल की मदद से आप बिजली की बचत तो कर ही पाएंगे साथ ही बैटरी की लाइफ को भी एक्सटेंड कर पाएंगे। नया ऑप्शन पहले से विंडोज 11 पर मौजूद बैटरी सेवर के ऑप्शन को एक्सटेंड और बैटरी को एनहांस करने का काम करता है। कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि हम बिल्ड 26002 के साथ एक एनर्जी सेवर मोड की शुरुआत कर रहे हैं जो बैटरी को एनहांस और बढ़ाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि यह सिस्टम के कुछ प्रदर्शन को कम करके बैटरी लाइफ को बढ़ाने और ऊर्जा के उपयोग को कम करने का एक आसान तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मईजू के साथ शुक्रवार को एक सार्थक बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और मालदीव अपनी साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए एक कोर समूह गठित करने पर सहमत हुए हैं। मईजू को चीन समर्थक नेता माना जाता है जिन्होंने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म मिशन रानीगंज 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला था। थिएटर रिलीज के बाद अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इस बात की जानकारी खुद अक्षय कुमार और नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर दी है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में अक्षय कुमार फिल्म की थोड़ी सी कहानी बताते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्हें जानकारी देते हुए कहा गया कि फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है। क्या आप भी एप्पल का आईफोन या आईपैड यूज करते हैं तो सावधान हो जाए क्योंकि इस वक्त आपका डिवाइस हैकर्स के निशाने पर है। जी हां, हाल ही में एप्पल ने अपने दोनों डिवाइस पर दो बड़े बग्स का पता लगाया है जिसके बाद कंपनी ने एक इमरजेंसी अपडेट रोल आउट किया है।
इनबॉक्स को जीरो डे वल्नरेबिलिटीज के रूप में भी जाना जाता है, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स आपके फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनबॉक्स ने आईफोन, आईपैड और यहां तक कि कुछ मैक डिवाइस को भी अफेक्टेड किया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से पहले मिनी ऑक्शन के लिए कुल 1166 खिलाड़ियों ने रजिस्टर कराया है, जिसमें रचिन, रविंद्र और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल है, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि इसमें इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का नाम नहीं है, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया है। 1166 में से 830 खिलाड़ी भारतीय है, इनमें से 18 कैप्ड खिलाड़ी है, लेकिन 2 करोड़ का बेस प्राइस केवल 4 का ही है। आईपीएल का ऑक्सर 19 दिसंबर को होना है। 336 विदेशी खिलाड़ी ने नीलामी के लिए अपना नाम दिया है, इसमें कुल 212 कैप्ड, 909 अनकैप्ड और एसोसिएट देशों के 45 खिलाड़ी हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के लिए बड़ी मुसीबत बन गए जीका वायरस से, अब बस एक पैच छुटकारा दिलाएगा। ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी जीका वायरस से बचाव के लिए निडील फ्री वैक्सीन पैच विकसित कर रही है। यह लगाने में बहुत आसान होगा। कैविसल्ड और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने उच्च घनत्व माइक्रो एरे पैच का उपयोग कर वैक्सीन को प्रोटोटाइप विकसित किया है। बता दें कि SDAMP हजारों छोटे सूक्ष्म प्रक्षेपणों के साथ त्वचा की सतह के नीचे प्रतिरक्षा कोशिकाओं तक वैक्सीन पहुंचाता है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा, दो घरेलू वाहन निर्माता कंपनियां भारतीय बाजार में लगातार अच्छी बिक्री दर्ज कर रही है। SUVs की बढ़ती मांग ने भारत में दोनों कंपनियों के बढ़ते स्टॉक में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा मोटर्स ने नवंबर 2023 में बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज की है। हालांकि कंपनी ने बाजार में सफलतापूर्वक 46,000 से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की है। टाटा मोटर्स ने नवंबर 2023 में से कुल 74,172 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो सालाना आधार पर सिर्फ 1% कम है। आसमान में टूटते सितारों के बारे में तो आपने देखा, सुना और पढ़ा होगा। क्या हो अगर सैकड़ों सितारे एक साथ टूटकर गिरने लगे? वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला दावा किया है। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने दावा किया है कि इसी महीने की 13 और 14 तारीख के बीच बड़े पैमानों पर तारों की बारिश होने वाली है। आसमान में हर घंटे 100 से 150 तारे टूटेंगे। यादव बताते हैं कि प्रक्रिया नवंबर से शुरू हुई है, जो 24 दिसंबर तक जारी रहेगी। भारत के आदित्य L1 उपग्रह में लगे पेलोड आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है और यह सामान्य रूप से काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने एक बयान में कहा कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में 2 अत्याधुनिक उपकरण सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर और सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर शामिल है। STEPS उपकरण 10 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। SWIS उपकरण 2 नवंबर 2023 को सक्रिय हुआ था और इसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। के अनुसार उपकरण ने सौर पवन आयन, मुख्य रूप से प्रोटॉन और अल्फा कणों को सफलतापूर्वक मापा है। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरा देश झेल चुका है। लाखों लोग कोरोना की वजह से मौत के गाल में समा गए। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद कुछ राहत भी मिली और कोरोना के केस कम भी हुए, लेकिन ये महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भारत में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 396 कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले कुल लोगों की संख्या 5,33,300 है, जबकि कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 4,50,02,103 है। हमारे तरफ पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर, नौशद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, IPL में खेलने वाला कौन सा खिलाड़ी आपका मन पसंदीदा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।